वर्ल्ड कप की फतेह अर्जेंटाइन 4,20,00,000 इनाम की हकदार। वर्ल्ड कप जीतने पर अर्जेंटाइन की टीम को फीफा की जानिब से 4,20,00,000 रुपए की खतीर रकम इनाम में दी गई, जबकि रनर्स अप फ्रांस की टीम को $3,00,00,000 इनाम दिया गया। फीफा की जानिब से मजमुई तौर पर वर्ल्ड कप के लिए $44,00,00,000 इनामी फंड रखा गया था। रवां बरस वर्ल्ड कप खेलने वाली हर टीम की फेडरेशन को कम अज कम $90,00,000, जबकि टूर्नामेंट की तैयारियों के अखराजात की मद में $15,00,000 मिलेंगे। टूर्नामेंट में तीसरे नंबर पर आने वाली क्रोएशिया की टीम $2,70,00,000, जबकि चौथे नंबर की टीम मराकेश को $2,50,00,000 की इनामी रकम दी जाएगी। गुज़िश्ता 4 वर्षों में फीफा की मजमुई आमदन $7,50,00,000,000 रही, जिसमें बड़ा हिस्सा ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप डील का है। दूसरी जानिब आखिरी बार मेगा इवेंट खेलने वाले स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मैच के बाद टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों का ऐलान किया गया, जिसमें अर्जेंटाइन के फर्नांडेस को यंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया, जबकि फ्रांस के किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट अवार्ड से नवाजा गया। फाते टीम के मार्टिनेज ने बेहतरीन गोलकीपर का गोल्डन ग्लव अवार्ड जीता, जबकि अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलने वाले लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड यानी टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया।